morning, student. Today is your topic data handling, and I am going to teach you continuously from exercise 3.1 and from your question 5th. Firstly, जो आपका 5th question है उसमें आपको एक table show किया गया है जिसमें आपके पास 3 player है A, B, C, and that player उन्होंने 4 जो game है वो play की है 1st to 4th. जो आपका 1st question है इसमें 5th question में that is find the mean to determine A's average number of points scored per game. जो हमें ए ने जो गेम्स प्ले किए हैं उनके एवरेज का हमें मीन फाइंड आउट करना है. और मैं जो आपको मीन का जो फॉर्मूलाज है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी. मीन ऑफ ए सम ऑफ स्कोर गेट बाय ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए. इसमें आपको जो उन्होंने 4 गेम में जो स्कोर गेट किए हैं उस स्कोर को बताना है और उसके डिवाइड में जो उन्होंने गेम प्ले किए हैं उनका नंबर बताना है. 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 ये वो स्कोर है जो ए ने गेट किया है. एंड कितने उन्होंने गेम्स प्ले किए हैं दैट इज 4 1 2 4 50 बाय दैट इज 12.5. अब हमें क्या था आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 बाय. इसमें यहाँ पे जो सी प्लेयर है उसकी बात की गई है उसमें जो टोटल नंबर उन्होंने गेट किया है उन्होंने पूछा है कि उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से. तो आपको यहाँ पे देख लें कि सी ने गेम 1st, 2nd और 4th प्ले किया है. डिड नॉट प्ले दैट मीन्स उन्होंने 3rd गेम प्ले नहीं किया. सिर्फ 3 गेम अगर प्ले किए हैं तो जो हमें उन्होंने स्कोर गेट किया है हम उसे डिवाइड भी किससे करेंगे 3 से. वी शुड डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ स्कोर बाय 3 बिकॉज सी डिड नॉट प्ले द गेम 3rd. क्योंकि उन्होंने जो 3rd गेम है वो प्ले ही नहीं किया तो उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे. नाउ योर 3rd क्वेश्चन इज दैट इज बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स हाउ वुड यू फाइंड द मीन. यहाँ पे भी हमें जो ए की तरह मीन फाइंड आउट करना है बी का मीन ऑफ अगेन वही फॉर्मूला जो उन्होंने स्कोर्स गेट किए हैं सम ऑफ स्कोर्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय बी. यहाँ पे हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे 0 है इट डजंट मीन दैट उन्होंने इस गेम को प्ले नहीं किया. उन्होंने गेम को जरूर प्ले किया है बट उन्होंने स्कोर यहाँ पे 0 गेट किया है. 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज डिवाइड बाय 4 दैट इज 4.5. योर 4th क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर. यहाँ पे आपके पास 3 प्लेयर हैं और जो ए का मीन है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी हैं. मीन ऑफ ए ये 12.5 था. मीन ऑफ बी दैट इज 4.5 और अब हमें सी का जो मीन है वो फाइंड आउट करना है. मीन ऑफ सी यहाँ पे सी ने ओनली 3 गेम प्ले की हैं. मीन ऑफ सी फर्स्ट में फाइंड आउट करते हैं उनका जो स्कोर है 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड बाय 3 32 बाय 3 दैट इज 10.67. जो सबसे ज़्यादा मीन है वो तीनों प्लेयर्स में ही ए का है. सो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग ऑल 3 प्लेयर्स. ए इज द बेस्ट परफॉर्मर. Now
your sixth question is, the marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. तो हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं जिनका हमें आंसर फाइंड आउट करना है. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट. बिफोर द फाइंड आउट द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन वी हैव टू अरेंज दीज ऑल मार्क्स इन अ असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट्स एवरीवन नोज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्टली जो लोअर मार्क्स है उसे सबसे आगे रखते हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स है उसे सबसे पीछे रखते हैं. In ascending order, lowest to highest, जो हमारे सबसे लोअर मार्क्स है वो इसमें क्या है हमें फाइंड आउट करना है. दैट इज 39. 39 के बाद 48, 56. After that 56, that is 75, 76, 81, 85, 85, after that 90 and 95. That is the marks that is obtained by the 10 students in a science test. And your first question is हाइएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाई द स्टूडेंट. हमने जो हाइएस्ट मार्क्स था वो क्या है 95. जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसे मैनेज करने का सिर्फ यही एक तरीका है और इससे हम हमारा हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स या कुछ भी जो ऑब्टेंड किया है वो इसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स. हाइएस्ट मार्क्स, हाइएस्ट मार्क्स दैट इज द 95 एंड योर लोएस्ट मार्क्स that is 39. Second question of range of the marks obtained. I have already told you that the meaning, the formula of range. Range is equal to highest marks and lowest marks minus lowest marks. What is highest mark? That is 95. The lowest mark that is 39. The answer is 56. And your third question is mean marks obtained by the group. अब हमें mean marks find out करना है. अब mean marks में ये है कि कितने जो बच्चों ने score है वो get किए हैं divide by number of students. Mean is equal to sum of marks by number of students. अब हमें जितने भी यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उन सबको ऐड करना है और उसके बाद में जितने स्टूडेंट्स हैं दैट इज 10 उससे हमें डिवाइड करना है. दैट इज 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 10. दैट इज 317 बाय 10. और यहाँ पे जो आपका मीन है वो कितना फाइंड आउट होगा 73 is the answer of your third question. Now student, seventh question. The enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows. यहाँ पे जो 6 consecutive years हैं उनके आपको जो enrollment है student में वो बताई गई है.
कि जो स्कूल में कितने कितने स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है. सिक्स कंजुकेटिव. कंजुकेटिव मीन्स जो आपकी कंटिन्यू ईयर्स आती हैं उन्हें बोला गया. तो सबसे पहले जो हमारे पास इनरोलमेंट है हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करते हैं. फर्स्ट इज आई थिंक दैट इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. वी हैव ओनली फाइंड आउट द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल. द एनरोलमेंट इज 1670, 1750, 2013, 2514 and 2820. और हमें अब इनका मीन फाइंड आउट करना है. ये है इनरोलमेंट्स जो सिक्स कंसेक्यूटिव ईयर्स में हुई है. अब हमें मीन फाइंड आउट करना है. हम कैसे करेंगे? मीन इज इक्वल टू एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल, सम ऑफ एनरोलमेंट, सम ऑफ एनरोलमेंट डिवाइडेड बाय सिक्स ईयर्स. या फिर आप बोल सकते हैं सिक्स कंजुकेटिव ईयर्स, या फिर अगर आप सिक्स ईयर्स भी बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिक्स कंजुकेटिव ईयर्स. अब हमें सम करना है इनका. 70 plus 75 40 plus 28 20 by 6 that is 8 4 3 by 6 0 5 and that is the mean of 6 enrollment enrollment of the school in 6 consecutive years. Your 8 question is also very easy and that is the similar of your question 5th and 6th. I think that student you should try by yourself. That is a very simple question. इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 7 डेज दिए गए हैं एक वीक के और आपको रेनफॉल बताई गई है एक सिटी की, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रेंज फाइंड आउट करनी है. बिफोर फाइंड आउट द रेंज यू हैव टू फाइंड आउट द लोएस्ट एंड द हाइस्ट रेंज ऑफ रेनफॉल. हमें सबसे पहले रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो हाइस्ट रेनफॉल हुई है और जो लोएस्ट रेनफॉल हुई है उन्हें फाइंड आउट करना है. उसके बाद में हाइस्ट से लोएस्ट माइनस करना है और आपको रेंज मिल जाएगी. आपको मीन ऐसे ही फाइंड आउट करना है. आपको जो 6-7 डेज दिए गए हैं उनके रेनफॉल को ऐड करके डिवाइड करना है 7 से. एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. स्टूडेंट यू शुड ट्राई बाई योर सेल्फ. अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं हो रहा है देन इन योर नेक्स्ट लेक्चर आई टीच यू योर क्वेश्चन 8. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.